तो गाइज हमको रात में आना पड़ा मेडिकल, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, तभी हम मेडिकल आ गए हैं दवाई करवाने के लिए। ज़्यादा तबीयत है आप करा? सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो। स्पेशल बना है भाई, बताओ क्या क्या बना है। दही। दही कहाँ है यार? कड़ी। ये गाय जिंदाल का सब्जी स्पेशल। इतना सारे बच्चे बराती बैठे हैं, बरात आया है हमारे घर में। जी क्या नाम है जी? संदीप। अच्छा, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो गाइज आज ब्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ी लेट हो गया, क्योंकि तबीयत सब लोगों का ख़राब है। हमारे सोनू थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब मिलते हैं उनसे, क्योंकि कल शाम को हम अपने जो दादा हैं, बड़े दादा साढ़ू जी, उनको लेने चले गए थे, तो शाम को वीडियो में नहीं आ पाए। तो ये हमारे बड़े दादा हैं। तो दादा जोहार। हाँ, ये हमारे बड़े दादा हैं, साढ़ू हैं। तो इनके साथ हम काफ़ी रात तक बातचीत भी हुआ है, और इन्हीं के साथ अभी भी थे। तो दूसरे के यहाँ ससुराल चले गए थे, मतलब अपने ससुराल पड़ोसी वाले, तो वहाँ चले गए थे, तो काफ़ी देर हो गया था। तो अभी हम लोग आए हैं स्नान करने, और हम लोगों को कहीं निकलना है, तो इसलिए जल्दी से अपना स्नान कर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं, और फिर निकलना जल्दी है। तो हम आपको मिलाते हैं अपने सोनू जी से, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था। तो मैं अभी देखता हूँ कैसा तबीयत है, इसके बाद से जैसा भी रहेगा। तो गाइस ये रही मेरी सोनू, आ रही है बेचारी। इसकी चेहरे में इतना 12 बज गई है, डाउन है चेहरा, काफ़ी इसकी तबीयत ख़राब हो गई ना जी। आप तो टेबलेट मांग रहे थे, ले आते हैं। नमस्ते। नमस्ते। बहुत पैसे दिखाते हैं। और मस्त हो? मस्त नहीं, बहुत तबीयत खराब है। एंड यू बेटर यू लेट? हालत खराब है इतना, कुछ मत पूछो। आई मीन क्यूट बीवी, लेकिन सुडुक सुडुक कर रही है। चलें इंजेक्शन लगवाने? तो गाइस ये खांसते खांसते एकदम इसकी सांसें एकदम अटकी अटकी हो गई है ना। अभी बुखार है? हाँ यार, बुखार तो है, दिन भर रहता है। चलो इंजेक्शन लगवा लो, प्राइवेट हॉस्पिटल में चलो इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि तबीयत तो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। चलना भी है ना घर, जाएंगे कल पर से छोड़ के जाएंगे फिर। अभी मैं जा रहा हूँ सीधी, इसलिए थोड़ी ऐसे काम घूमने के लिए। कुछ काम नहीं जाना है आज। दादा बोले हैं। क्या बोले हैं? कौन दादा? वो संजू पापा बोले हैं कि चलिए मेरे साथ थोड़ा घूमने, काम है। झूठ बोल रहे हैं। सच में बोल रहा हूँ, कान पकड़ा हूँ ना, सच में बोल रहा हूँ। उनको कहाँ काम पड़ गया है? पता नहीं, क्योंकि भाग दौड़ उनकी ज़्यादा है, तो बोले कि थोड़ा चलिए हमारे साथ चलिए, अकेले अकेले मज़ा नहीं आता है लंबा सफ़र में, तो हमारे साथ चलिए। तो गाइस आज हो सकता है मैं आज आपको सीधी भी दिखाऊंगा, अगर फ़ोन मेरे पास रहा, चालू रहा तो। तो गाइस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। इसकी तो तबीयत ख़राब होती जाती, पहले तो मेरे हुआ, तो अभी मैं थोड़ा इंजेक्शन लगवा लिया। इसका पिछला वीडियो आप लोग देख ही लिए होंगे कि कैसा क्या रहा माहौल, क्योंकि थोड़ा सा इंजेक्शन लगवा लिया और बाटल चढ़वा लिया, तो अभी थोड़ा सा शरीर में थोड़ी बूस्ट है, तो इतना स्ट्रेंथ तो नहीं है, बट हो गया जो भी है तो ठीक ही ठाक है उतने हिसाब से। तो अभी साढ़ू जी हैं, तो देखते हैं क्या करना है, क्योंकि उनको भी देखना है, जाना ही नहीं जाना है उस हिसाब से। वो भी जाएंगे? बोलता रहा हूँ, चलिए उन लोगों उनको भी बोले हैं कि अपने बाइक से हम लोग चलेंगे, वो अपने बाइक से घूमने के लिए भी चलेंगे, तो भाई घूम लेंगे साथ तो में। घूमने का मौका नहीं मिलता ना भैया, क्या काम से जाते होंगे भाई उनका? आज संडे है यार, तो क्या काम? संडे को वही सब काम है उनको, संडे को क्या काम है? फोन लगा पूछ लेते हैं। बेचारी खेबड़ी की एकदम मुँह लटक गई, खेबड़ा लगा के लगवा दिया, दवाई करा दिया, ठीक हो गया। चलो ना आप भी कल आ लीजिए। स्पेशल बना है भाई, बताओ क्या क्या बना है। दही। दही कहाँ है यार? कड़ी और इंधर दाल प्लस धान वाला रोटी। धान वाला रोटी, चावल की पूड़ी। ये दोनों लोग खा रहे हैं, ये खाना परोस रहा, ये भी बैठ रहा है यहीं पे खाने के लिए। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। और जिनकी समय आज बहुत सारे गेस्ट लोग आए हैं। हमारे घर में ये बन रहा है आज, ये
इधर से, इधर अंधेला नहीं दिखती है ये, इसको जैसी भाषा में गोथला बोलते हैं, गोथला। और ये सब आए हैं, इधर कोई सोया है, कोई बैठी है, ये खाना परोस रही हैं, हमारी दीदी जी हैं। एक ये बड़ा कुर्सी लगाए बैठी है मोबाइल लिए, ये मेरी मम्मी बना रही है। ये कहा है मम्मी, मुझे फिर से दिखा, क्या है, क्या है, पूरी बनाने के लिए है, आटा है, इससे इससे पूरी बनती है, पुलाव वाली पाव पूरी। अच्छा, इसको मम्मी गीली कर रहे हैं, गीली करने के बाद इसको पूरी बनेगी। और ये बनी है कढ़ी, इधर चावल खत्म हो गया है, इलाई में कोई से बना। और ये रही अपनी इंदहार, इसको रिकमच बोलते हैं। और बनाने वाली ये है, ये बनाने वाले हैं, यही बनाई है इंदहार की सब्जी। हाय गाइस, ए ए आ जाओ इंदहार की सब्जी। ये हमारा लल्ला है, हाय बोल लो बाबू। ए ऋषि, हाय बोलो। ए गुल्लू, क्या है, क्या कर रहे हो जी? ए बोलो दे। तो इधर इधर खाने वाले बैठे हैं, ये देखिए दो तीन भूखड़ बैठे, एक तो कपड़ा उसके पास नहीं है, गरीब है वो बेचारा। ना क्या, पहले पेट फूल जाएगा फिर उसके पास कपड़ा होने, बहुत गरीब है बेचारा, एक अकेला बैठ खाता है उधर भूत जैसे।